करते हैं, पहले एक चाय बना लेते हैं, थोड़ी सी गर्मी आ जाएगी, फिर आगे की बात शुरू करते हैं। रिसेंटली मेरा एक फ्रेंड है रॉबिन, उसने मेरा एक वीडियो देखा पुराना, तो बोलता है यार तू तो यार गुरुजी लग रहा है। मैंने कहा है गुरुजी लग रहा हूँ? कहते यार तू ज्ञान बहुत बांट रहा है वीडियो में अपने। मैंने ओके, सीरियसली गुस्सा तो बहुत आया, पर फिर मैंने जाके थोड़ा सा लोहा उठा लिया और थोड़ा पसीना बहाने के बाद समझ आया यार दोस्त तो अपना ही है, झूठ थोड़े ना बोलेगा। तो मैंने कहा नहीं सही बोल रहा है भाई, तो ठीक है इस बार कोई ज्ञान नहीं बांटा जाएगा, इस बार आपको एक फन जगह पे लेके जाएंगे। देखा जाए तो बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि जॉब पे जाना, बच्चों को स्कूल छोड़ना, अपने हस्बैंड या वाइफ के को पिक करना, खाना बनाना, व्हाटएवर जो भी आप लोग करते हैं ये तो काम हो गए, पर एक कुछ एक चीज़ें ज़रूर होती हैं जो आप अपने मस्ती के लिए करते हो, फ़न के लिए करते हो। तो एक चीज़ है जो हाँ मेरे को बहुत अच्छी लगती है करनी, स्पेशली जब यहाँ पे समर्स आ जाती हैं, और क्योंकि जब विंटर है तो यहाँ पे लोग समर का इंतज़ार करते हैं, और जो समर रहती है तो यार सोचते हैं कि भाई विंटर आ जाएगी वाली है, विंटर आने वाली है। पर एनी वे वो सब छोड़ो, आज आपको समर की एक्टिविटी जो है वो दिखाते हैं। तो मेरा नाम है लोकेश शर्मा, वेलकम टू द चैनल अगेन, और आज का ब्लॉग इधर शुरू करते हैं, लेके चलते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल कैंपिंग की जगह पे, यहाँ पे एक बहुत लंबे से लेक के बाजू में, आई मीन कैंप साइट का नाम ही यही है, जो प्रोविंशियल पार्क है उसका नाम ही है लॉन्ग लेक प्रोविंशियल पार्क। तो चलो चलते हैं लॉन्ग लेक। कैंपिंग करने के लिए लॉन्ग लेक प्रोविंशियल कैंपग्राउंड, जो कि अल्बर्टा के प्रोविंशियल पार्क्स में आता है, और कार पूरी पैक्ड है पीछे देखो आप, और जिया टायर्ड है, जिया स्कूल से सीधा आई है यहाँ पे आज। और सबसे पहले हमें देखना है, आपको कैंपग्राउंड दिखाते हैं अभी टेंट लगने से पहले। तो ये हमारी कैंप साइट है, ये फायर पिट होएगा इधर, एक स्टूल एक बेंच दिया हुआ है इधर, और इधर हम टेंट लगाए सामने, देखो देखो पैक्ड है, अभी सारा सामान बाहर निकालना है। लेट्स स्टार्ट। वो रेड वाला बटन दबा के देखो, अभी गरिमा और जिया कर रहे हैं सिर्फ लाइक बेसिकली इंस्टेंट टेंट में क्या है, इन रॉड को ऐसे पुल करना है अपोजिट साइड में, और से क्लिक होएगा जिया, इसमें देखना क्लिक होता है। नहीं जी, इसको दबाओ, इसको दबाओ, इसको पुल, इसको दबाओ। हाँ अब इसको खींचो ऊपर से। हाँ हाँ क्लिक हो गया ना जिया, देखो हो गया, बंद नहीं करना, ये बाहर रहेगा। ओके, दैट्स इंस्टेंट टेंट। पहले इस चीज को बनाने में बहुत टाइम लगता था। ठीक
स्क्रीन है पीछे ग्रीन वाली, और पीछे जो ऑरेंज और ग्रे है वो हमारा टेंट है, और दोनों इंस्टेंट टेंट्स हैं। इंस्टेंट टेंट मैंने भी पे कर दिया है $16। अब मैं यहाँ से वुड ले रहा हूँ दो बंडल। तो यहाँ पे जो वुड है वो $8 का बंडल है। टेंट के अंदर जा रहे हैं रात के लिए बेड्स और अपने कॉट्स लगाने के लिए। जिया स्केरी स्टोरीज पड़ेगी रात में, खुद भी डरेगी और हमें सोने नहीं देगी उसके बाद। एटलीस्ट इस बार ये होगा कि जब हम पैकअप कर रहे होंगे तो ये बेड में ही टाइम लगेगा बस। टेंट में होपफुली होपफुली। और हमने अपने कॉट्स बना लिए, गरिमा अपने कॉट पे बैठी हुई है, जी अपने कॉट पे लेट गई है और इसने बहुत काम किया इस बैठ के पूरे टाइम। कैंप फायर स्टोरीज पढ़ रही थी। मैंने बहुत इम्पोर्टेंट चीज किया। क्या? मैंने ये फाइंड आउट किया कि मैं कौन सी स्टोरी पे हूँ, ताकि जब रात होगी मुझे पता कि कौन सा पढ़ना है। राइट। तो ये अंदर हमारे जो कॉट्स हैं, ये मेरा कॉट होगा और ये मेरा स्लीपिंग बैग है, और जिया का स्लीपिंग बैग और वो गरिमा का स्लीपिंग बैग है। और लेट्स होप कि ज्यादा ठंड नहीं लगे रात में। और अब बाहर चलते हैं। ये देखो हमारी कैंप साइट अब कैसे लग रही है। मेरी कार खड़ी है, पीछे स्क्रीन है, उसके पीछे टेंट है। अब थोड़ी देर वापस आते हैं, हम उस तरफ जा रहे हैं। वुड कटिंग चालू है, ये कैंपिंग का मेन फन है। आई एम थोर। खाना रेडी हो गया है ऑलमोस्ट। ये हम लोग आज क्या बनाया है, ये बीट्स हैं, नहीं स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो है, चीज है और कुछ मसाले। पापा मैंने बहुत इंटरेस्टिंग थिंग खा ली। ये क्या खा रही हो आज आप? सो आई जस्ट वेट and it's been like rolled up into thin lines. Mm-hmm. And then they sprinkle like spices on top. Okay. And then you boil it in water. Uh-huh. तो ये कंपनी में बनता है किसी या घर में बनता है ये जो प्रोडक्ट होता है? Both. अच्छा। Yes. तो जो पहले कंपनी बनता है तब इसे क्या बोलते हैं? बता दे। Wheat. नहीं नहीं कुछ तो नाम होगा कंपनी का। Maggie. Hey, Maggie. मेरे पीछे देख ही रहे हो, ये मेरा स्क्रीन है, हाँ सी स्क्रीन है, और ये टेंट है। ये धीरे धीरे इकट्ठी करी चीज़ें हैं, जैसे ये स्लीपिंग बैग है एक, है ना, और क्या दिखाऊँ, ये सब एक टोकरी, ऐसे दो और हैं। तो ये धीरे धीरे कुछ सालों में कैंपिंग करने के लिए इकट्ठी करी हुई चीज़ें हैं। ये मेरे करण अर्जुन, ये शुरू में ली थी कि जब मैं कैंपिंग करता था, इससे यार हाथ में छाले पड़ जाते हैं। अगर आप कैंपिंग करने की शुरुआत कर रहे हो प्लीज़ ये छोटी वाली एक्स कहीं मत लेना। ये दूसरी एक्स है जो कि बहुत अच्छी है वुड कट करने के लिए, स्प्लिंटिंग एक्स बोलते हैं क्या इसको, हाँ स्प्लिंटिंग एक्स लिखा हुआ है इधर। तो अगर कैंपिंग जा रहे हो तो ये चीज़, ये वाली एक्स यूज़ करना। यार अगर अब तक ये व्लॉग देख रहे हो ना तो प्लीज़ 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 एक कमेंट करके ये बता दो मेरे दोस्त को कि भाई मैं गुरुजी नहीं हूँ, वरना मजाक उड़ाता रहेगा, है ना। और जब कमेंट कर ही रहे हो तो साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और लाइक बटन भी दबा देना और वो बेल आइकन भी दबा देना। हाँ इतना काफ़ी है आज के लिए। और कैंपिंग में हमारा नाइट टाइम हो गया है। और जिया तुम अपने गेम्स खेलोगी ना? मैं खेलूँगा मेरे, है ना। और फिर मिलते हैं कल सुबह, गुड नाइट। They said on my beautiful sleeping bag. Good morning. देखो फायर जल रहा है बच्चे से। ये फिर से सुबह हमने कैंडल जला दी जो कि सिट्रोन और वैक्स कैंडल होती है, जिससे कि मॉस्किटोज़ नहीं आते। खैर इतनी ठंड है मॉस्किटोज़ वैसे भी नहीं आएंगे अभी। और ये देखो चाय बन रही है हमारी पैंस में, और इसमें शायद जिया की मैगी बनेगी फिर से। और मॉर्निंग की चाय हमारी रेडी हो गई है,
और ये गुड़ की चाय और टेबल खोली जा रही है। जिया का स्मोर दिखा दो ब्रेकफास्ट। तो जिया का स्मोर फिर से, जिया कैंपिंग में सिर्फ एक ही चीज़ खाती है वो है स्मोर और मैगी। तो भाई लोग ये टेबल भी जो है ना ये हम इंडिया से लेके आए थे अपने सूटकेस में रख के, फोल्डेबल टेबल है इंडिया में। हाँ डिकैथलॉन स्टोर है गरिमा के घर के पास। कौन सी ठंडा। और हमारे पास निजामुद्दीन स्टेशन से कुछ लोग आए हैं आँख सेकने के लिए। यदि और क्योंकि हमारे कैमरा रोड में कोई मोबाइल कनेक्शन नहीं है तो हम यहाँ आए ताकि गरिमा इंडिया कॉल कर सके और जी आपको हम यहाँ पे आइसक्रीम खिलाएंगे क्योंकि स्टोर के अंदर चलते हैं देखते हैं तो हमारी स्पोर्ट पीछे है स्पोर्ट्स स्टोर। पापा खा जी ऐसे सॉसेज किया स्मोर्स की। I don't know how good they are. स्मोर्स की सिप कहाँ पे है यहाँ पर? पापा ये देखो ये वर्क हो सकता है। मस्कीटो कैंडल मैं दिखा रही हूँ जब मेरी कल सुबह हुएगी तो आपकी कल सुबह निकल पड़ा हुआ घर पे। नहीं पापा देखो ये स्मोर्स के लिए बना स्पेशली। नहीं नहीं मुझे आप हाँ ये लेना है। और हम लोग वॉक करने निकले अपनी कैंप साइट पे देखने की कैसी है जगह ये।
तो यार उम्मीद करता हूँ आज का ये ब्लॉग अच्छा आएगा, अच्छा लगा होगा आपको। उम्मीद ही कर सकते हैं, अपना काम बनाना है, लाइक करना ना करना आपका काम है। तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, पहले ही बोल चुका हूँ, छोड़ो। और हाँ, इस बार के लिए इतना ही, अगले ब्लॉग में फिर मिलते हैं यार। टेक केयर, बाय, सलाम, नमस्ते।